नमस्ते। 1 नवंबर वेगन डाइट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, आज मैं आपको इसी डाइट के बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, इसके फायदे क्या होते हैं, क्या इसके कोई नुकसान भी होता है, इसके टाइप्स क्या रहते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली वेगन डाइट होता क्या है। तो वेगन डाइट मेनली प्लांट बेस्ड डाइट है, जिसमें वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जैसे गेहूं, चावल, बाजरी, ज्वार, ऐसी चीजें होती है, साथ में ही नट्स जैसे काजू, बादाम, मूंगफली या दाल, ये चीजें होती है, और साथ में फ्रूट भी होता है। मेनली इसमें जो चीज नहीं होती वो होती है पशु या उनके जरिए तैयार की जाने वाली कोई भी चीज या कोई भी उत्पादन इसमें नहीं खाया जाता, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध, शहद, पनीर, मक्खन, अंडे, मांस, ऐसी चीजें वेगन डाइट में इंक्लूडेड नहीं रहती। इस वेगन डाइट के कई अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि होल फूड वेगन डाइट, जिसमें साबुत तरीके से ये सारी चीजें खाई जाती है। अगला है रॉ फूड वेगन डाइट, जिसमें जो फ्रूट, वेजिटेबल्स या चीजें होती है वो अनकुक्ड या रॉ तरीके से खाई जाती है, और अगर वो कुक की भी जाती है तो बहुत मिनिमल टेम्परेचर पे की जाती है। अगला है 80-10-10 डाइट, जिसमें फैट कंटेनिंग जो प्लांट सोर्सेस है जैसे नट्स, अवोकाडो, इसकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है, और जो डाइट में लिया जाता है वो बहुत सॉफ्ट फ्रूट्स और सॉफ्ट ग्रीन वेजिटेबल्स मेनली ली जाती है। इसके अलावा है स्टार्च सोल्यूशन डाइट, जिसमें मेनली जो हाई स्टार्च कंटेनिंग चीजें हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीजें हैं, जैसे कि पोटैटो, राइस, कॉर्न, ये मेनली लिया जाता है, और इसमें भी फैट कंटेनिंग बहुत कम रखा जाता है। अगला है रॉ टिल 4, यानी जिसमें शाम के 4 बजे तक मेनली अनकुक्ड चीजें डाइट में ली जाती है, और डिनर में मेनली माइल्डली कुक या कम फ्लेम में कुक चीजें इस डाइट में ली जाती है। अगला है थायु डाइट, इसमें भी मेनली रॉ फूड लिया जाता है, और अगर वो कुक किया जाता है तो वो भी बहुत कम टेम्परेचर में किया जाता है। लास्ट है जंक फूड वेगन डाइट, ये होता तो वेगन डाइट ही है, लेकिन इसमें मेनली हेविली प्रोसेस्ड वेगन फूड लिया जाता है, जैसे कि फ्राइज और डेजर्ट्स। तो ये जो अलग अलग टाइप्स है, लोगों ने अपने अपने कन्वीनियंस से और अपने अपने बेनिफिट्स को सोच के इसके टाइप्स बनाया है। इस वेगन डाइट के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो ये वेगन डाइट में जो हम लोग कैलोरी कंज्यूम करते हैं वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वे वेट लॉस में इससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा जो इसमें कंटेंट होती है, जो चीज़ें खाई जाती है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट से रिच चीज़ें हैं, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसके वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और कई डिसीज से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी हमें इससे ट्रीट करने में और इससे फाइट करने में फ़ायदा होता है। और आखिरी पॉइंट है, क्योंकि इसमें फैट कंटेनिंग चीज़ें बहुत कम होती है या कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग चीज़ें बहुत कम होती है, तो बॉडी में या ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कंट्रोल करने में और कम करने में भी वेगन डाइट से बहुत फायदा होता है। लास्ट पॉइंट ये भी है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इस तरीके से एनिमल के ग्रोथ के लिए सपोर्ट भी करते हैं। इसके क्या नुकसान भी कोई है? ऑफ कोर्स है, इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट है, तो जो पशु उत्पादन से जो मिलने वाले पोषण तत्व है वो इस डाइट से नहीं मिलते या ये बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बॉडी में कम हो सकती है या पोषण तत्व पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जे जिसकी मात्रा एनिमल सोर्सेस में ज़्यादा होती है, तो इसकी मात्रा सिर्फ ये वेगन डाइट की वजह से बॉडी में कम हो सकती है। तो वेगन डाइट एक काफ़ी बार कंप्लीट फूड नहीं हो सकता, या वो हर चीज़ अपने बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकता जो एक इंसान को हेल्दी बॉडी रखने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप वेगन डाइट करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो ताकि आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी हो जाए, जैसे कि फोर्टिफाइड चीज़ें डाइट में लेना, यानी आजकल बहुत सारी चीज़ों में एडिशनल विटामिंस और मिनरल्स ऐड किए होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग वेगन डाइट अगर लेना चाहते हो तो उसमें आप फैट कंटेनिंग चीज़ें कम कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट डाइट बैलेंस कर सकते हो, उसमें भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ पे लेना है और कब लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, ताकि आप अपनी डाइट और हेल्थ बैलेंस रख सके। तो आप अपनी डाइट साइंटिफिक वे से सोच के और समझ के चूज कीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।